वायनाड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दफ्तर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर दी। इस घटना के विरोध में दिल्ली स्थित सीपीआई हेडक्वार्टर के बाहर भारतीय युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यालय पर हमला करने के विरोध में एसएफआई के हमला करने के विरोध में यूथ कांग्रेस आज सीपीआईएम के हेडक्वार्टर के बाहर यहां पर प्रोटेस्ट कर रही है। और तस्वीरों में आप पीछे देख रहे हैं कि सीपीआईएम का हेडक्वार्टर इस वक्त सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बैरिकेड के उस तरफ यूथ कांग्रेस यहां पर प्रोटेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऑफिस पर हमला किया जाता है एसएफआई द्वारा, उसके विरोध में यहां पर यूथ कांग्रेस इस वक्त प्रोटेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है और साफ तौर पर नारेबाजी करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। एक तरफ राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एसएफआई के मुर्दाबाद के भी यहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जब तक माफी नहीं मांगी जाती है तब तक ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और दूसरी तरफ जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन गिरफ्तारी करने वाले लोगों का चेहरा सार्वजनिक किया जाए, उसके बाद ही ये प्रोटेस्ट खत्म किया जाएगा। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की यहाँ पर बात की जा रही है यूथ कांग्रेस की तरफ से। आप देख रहे हैं कि सीपीआईएम के हेडक्वार्टर के बाहर यूथ कांग्रेस इस वक्त यहाँ पर प्रोटेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर फोर्सेस भी यहाँ पर तैनात की गई है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट करती दिखाई दे रही है। आप यहाँ उनके पोस्टर्स भी देख रहे हैं कि एसएफआई फेयर आरजी। तो देखिए जिस तरीके से डरने की बात कर रहे हैं यहाँ पर यूथ कांग्रेस, डरने वाली यहाँ पर इस तरीके से वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यालय पर यहाँ पर हमला किया जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि एक तरफ जहाँ पर राहुल गांधी लगातार पिछले कुछ दिनों में ईडी के सवालों का सामना कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वायनाड में उनके कार्यालय पर हमला हो जाता है, जिसका विरोध इन वक्त यूथ कांग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यादव के साथ जो भी